गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम ब्रेकफास्ट में पोहे बनाने वाले हैं। तो अभी तो मटर बहुत सारी आ रही है, तो आज हम मटर और आलू डाल के बनाएंगे पोहे। तो सबसे पहले हमको इसमें इसको गलाना है। गलाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि पर पर्सन 1 मुट्ठी पोहा गलता है। तो मैं आज आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि एक लोगों के लिए एक ही मुट्ठी काफ़ी होती है पोहे की। तो हम इसमें से 4 मुट्ठी पोहे गला लेंगे। मैं 4 लोगों के लिए पोहे बना रही हूँ, तो इसमें मैं 4 मुट्ठी पोहे गला लूँगी। और इतनी बहुत होती है, नहीं तो पोहा गल के फिर ज़्यादा हो जाता है, तो पोहा ज़्यादा ना गलाइए। इतनी बहुत है 4 लोगों के लिए। और मैं अब इसको एक बार अच्छे पानी से धो के पानी निकाल दूंगी, और फिर थोड़ी देर के लिए दूसरा पानी इसमें 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसको पानी से अलग कर लेंगे। तो मैं इसको गला देती हूँ। मैंने एक बार इसको अच्छे पानी से धो के निकाल दिया है पानी, और दूसरी बार इसमें पानी डाल दिया है। और मैं इसको 6 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख दूंगी। 6 मिनट बाद हम इसका पानी निकाल देंगे। 6 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसका पानी निकाल देंगे। इसको एक छन्नी में डाल लेंगे पोहे को। पोहे को मैंने इस स्टील की छन्नी में निकाल दिया है, और नीचे इसका इस तरह की तली का बर्तन रख दिया है, जिससे जितना पानी होगा तो सब इसी के अंदर चला जाएगा। और अब मैं पोहे को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखूंगी, ताकि इसका पानी थोड़ा जो बचा हुआ है वो निकल जाए। फिर हम इस पर कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ये रखे हुए 7 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी निकल गया है। इसमें पानी थोड़ा ही निकला है, लेकिन ये थोड़े से सूखे सूखे हो गए हैं। अब हम इस टाइम पे मिला देंगे इसमें नमक। ये मैंने नमक लिया 1 चम्मच, जिसमें मैं अभी पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा नमक मैं बचा लूंगी। मैंने इतना नमक बचा लिया है, ये 1/4 चम्मच से भी कम है। और इसको हम यूज़ करेंगे अभी। और इसमें ली है 4 चम्मच चीनी, और मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और इसको अब हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद फिर हम बनाएंगे पोहे। अगर आपको सुबह जल्दी उठ के बनाना है, तो आप ये प्रोसेस रात में करके रख दें और सुबह उठ के बना दें। तो हम इसको मिक्स करके रख देंगे। अब हम मिलते हैं आधे घंटे बाद। पोहे तो रख दिए हमने रेस्ट करने के लिए, और जब तक हमने कर ली है पोहे फ्राई करने की तैयारी। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या डालेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो हमको तेल चाहिए। इसमें तेल बहुत ही कम लगता है, तो मैंने इसमें तेल लिया है, ये 2 चम्मच तेल है। तो हम इसको ज़्यादा तेल नहीं इसमें डालेंगे, तेल थोड़ा ही डालेंगे। इसके लिए लिया मैंने एक आलू। इस आलू को, ये मीडियम साइज़ का आलू था, इसको छील के मैंने इसके छोटे छोटे पीस ऐसे ही काट लिए हैं। तो इसके आप भी ऐसे छोटे छोटे पीस काट लें। मैंने आधा कप मटर लिया है, थोड़ी सी ली है धनिया पत्ती। ये प्याज मैंने बाद में डालने के लिए लिया है, गार्निश के लिए। खाने में बहुत अच्छी लगती है पोहे के साथ, तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है प्याज, ये 2 प्याज है मीडियम साइज़ की, और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और इसी के साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इससे हम फ्राई करेंगे। कुछ मसाले लिए हैं हमने। मसाले में लिया है मैंने ये हींग, 2 पिंच हींग ली है, 1/4 चम्मच हल्दी ली है, 1/2 चम्मच सरसों ली है, और मैंने 1/4 चम्मच सौंफ लिया है। और ये नमक वही है जो हमने बचाया था। और इसी के साथ हमने ये 2 मिर्ची काट ली है, इससे हम पोहे को फ्राई करेंगे। तो चलिए हम पोहे को फ्राई करते हैं। मैंने गैस में रख दिया कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे हम ये तेल। तो इसमें तेल बहुत कम पड़ता है पोहे में। पोहे में तेल बिल्कुल ज़्यादा ना डालें, नहीं तो पोहा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। तो आप 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा आप तेल बिल्कुल भी ना डालें। छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच, 2.5 चम्मच आप जितना डालना चाहें, तेल ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। तो इस तेल को हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, हम इस पर डाल देंगे राई, और थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे, क्योंकि
राई चटकती है, ये बाहर आ जाती है कढ़ाई से, तो इसको आप थोड़ा सा ढक दें। इसी के साथ हम डाल दूंगी सौंफ, और इसको चला देंगे। और अब हम डाल देंगे, ये हींग हमने ली थी, हींग डाल देंगे। और अब मैं डाल दूंगी, सौंफ भी हो गई ये गोल्डन कलर की, ज्यादा नहीं जलाएंगे हम। इसमें डाल देंगे प्याज, और इसी के साथ में डाल दूंगी इसमें ये मिर्ची, और इसको हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा गोल्डन कलर होने तक इसको हम पकाएंगे। इसको मैं ढक देती हूँ, फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ। एक बार मैं देख लेती हूँ, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमको इससे ज़्यादा इसमें नहीं पकाना है। अब हम इस टाइम पे डाल देंगे इसमें ये आलू, और आलू को हम थोड़ा गलने तक पकाएंगे। और इसी के साथ डाल देंगे ये हल्दी। हल्दी आप जब पोहे में आलू और मटर नहीं डालते हैं तो ये हल्दी आप पोहे में मिला लीजिए, बहुत अच्छा कलर आता है। और अगर आप हल्दी आलू और मटर डाल रहे हैं तो फिर आप हल्दी को तेल के साथ ही पकाइए, क्योंकि फिर इसमें भी थोड़ा सा आलू का कलर चाहिए, आलू में पीला कलर चाहिए थोड़ा सा। हमें इसको, ये जो हमने ये नमक लिया था, नमक को इसी में डाल दूंगी, और इसको ढक देंगे। आलू थोड़ा सा हमारी गल जाए तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाएंगे। हमने इसको 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में पका लिया है। आलू थोड़ी सी पक चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकी है क्योंकि फ्लेम हमारी कम थी। इसको अगर आप काटेंगे तो ये थोड़ा सा अभी इसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, फिर ये कटती है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें मटर, और इसको भी हम थोड़ा सा हाई कर देंगे फ्लेम और पकाएंगे। तो हम इसको पका लेते हैं मटर को भी। मटर को हमने थोड़ा सा ढक लिया था क्योंकि ये पक रहे थे तो ये फट फट के ऊपर आ रहे थे, उछल रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे पोहे। हमने इसको 1.5 मिनट तक हाई टू मीडियम फ्लेम में ही पकाया है मटर को चलाते हुए। हम आलू जब हमने डाला था हम मटर को तब भी डाल सकते थे, लेकिन अगर आप उस टाइम पे मटर डाल लेते तो ये सारे मटर बिल्कुल इसका हलवा बन जाता है, इसमें मटर का स्वाद अलग से नहीं आता। तो इस टाइम पे हम बाद में थोड़ा मटर डालते हैं कि हमको आलू का भी फ्लेवर आए और साथ में मटर का भी फ्लेवर आए। अब हम इसमें डाल देंगे पोहे। ये पोहे हमने जो गला के रखे थे, ये पोहे एकदम से गल के बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे से खिले खिले पोहे दिख रहे हैं। तो ये पोहे रखे हुए मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। पोहा आप आधे घंटे से पहले बिल्कुल भी मत बनाएं, नहीं तो वो फिर चिपके चिपके बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो पोहे बनाने में थोड़ा सा गलाने का ध्यान रखें, थोड़ा सा गलने में टाइम लें। और ऐसा नहीं है कि आपने गला दिया तो आपको तुरंत ही बनाना है, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद भी बना सकते हैं पोहे को। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको अब हम पकाएंगे ज़्यादा नहीं, पोहा ज़्यादा नहीं पकाते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके 0.5 से 1 मिनट तक ही पकाएंगे बस। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे नींबू। तो मैंने ये 0.5 नींबू लिया है, और इस पर मैं इसका रसा पूरा डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप थोड़ा सा 1 नींबू डाल सकते हैं, लेकिन ये इसमें इतना बहुत है। और अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इसको पोहे को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चाहे तो आप अभी तुरंत इसको खा सकते हैं सर्व करके, लेकिन ये थोड़ा सा आप इसको रख देंगे ना 1 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही, तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। आप इसको कवर कर देंगे तो ये गर्म ही रहेगा, ठंडा भी नहीं होगा, और ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जब भी पोहा बनाएं
तो उसको तुरंत खाने के बजाय आप उसको 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही ढक के रख दें, फिर आप सर्व करें। ये पोहा को हमने थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख दिया था और अब हम इसको एक कटोरी में या प्लेट में खाने के लिए इसको सर्व कर लेते हैं। हमने पोहे को एक प्लेट में डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी पोहा मसाला। अगर आपके पास है तो आप इसको डालें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पोहा मसाला डाल दूंगी, इससे खाने में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अगर है तो आप इसको ज़रूर डालें। अब मैं डाल दूंगी थोड़ी सी प्याज और इसी में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और हम डाल देंगे इसमें थोड़े से ये सेव। ये सेव बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, तो ये कहीं भी मिल जाते हैं शॉप में जाके जहाँ नमकीन वगैरह मिलती है, तो रतलामी सेव इसको बोलते हैं, तो आप जाके ले सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और बस आप इसको मिक्स करिए और खा जाइए और ये बहुत ही टेस्टी पोहा बनके तैयार हो गया है। मैंने इस पोहे को एक प्लेट में सर्व कर लिया है और ये खाने के लिए एकदम से तैयार है। तो आज मैंने पोहे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को ये पोहा कैसा लगा, आप भी बनाइए खाइए, फिर आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा और आप मेरे साथ जुड़े रहे। इसके लिए थैंक यू सो मच।